आजकल सभी घरों में मॉड्यूलर फर्नीचर के अंदर ये पीवीसी एज बेंडिंग निकलने की बहुत बड़ी समस्या है। ये आप खुद भी रिपेयर कर सकते हैं घर पे। हम इसका प्रोसेस आपको पूरा बताते हैं किस तरीके से पूरा रिपेयर कर सकते हैं आप। पीवीसी एज बेंडिंग को आपको इसको सही तरीके से चिपकाने के लिए दो चीजों की रिक्वायरमेंट है। एक तो आपके जो घर में काम आने वाली आयरन प्रेस है, आपके घर पे जो न्यूज़पेपर आता है उसको किस तरीके से अपन यूज करेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। आपको जो घर में जो प्रेस काम आती है उसको एक बार आप पूरा गर्म कर लीजिए, मैं बता देता हूँ पूरा प्रोसेस आपको। दो से तीन मिनट में ये फुल गर्म हो जाएगी, उसके बाद इसको आप हटा लीजिए। अब ये प्रेस पूरी तरीके से गर्म हो गई है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ऑफ करेंगे, इसका तार वायर निकाल लेंगे, ठीक है। वायर निकालने के बाद क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे रखेंगे, न्यूज़पेपर लेंगे अपना, न्यूज़पेपर की एक लेयर लेके हम इसे बीच में रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि पीवीसी है गर्म होने से हीट करने से चिपक सकती, मतलब कि खराब हो सकती है। तो हम इसको एक सेफ्टी के लिए हिसाब से यहाँ पे लगा देंगे। अभी आपको क्या करना है, ये न्यूज़पेपर पे आपको प्रेस करना है, ठीक है। हल्का हल्का प्रेस करिए आप, थोड़ा सा मामूली सा प्रेशर लगा सकते हैं आप, ठीक है। इससे क्या होगा, जो इसमें जो फेविकोल है वो क्या मेल्ट हो जाएगा गर्म होने से, और जैसे ही मेल्ट होगा वो चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आप, ये पूरा एकदम सही तरीके से चिपकना स्टार्ट हो गया है, ये सही होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ऐसे ही करके आप नीचे वाले को भी यूं कर सकते हैं। चिपक रहा है, ये सही तरीके से चिपक रहा है, देखिए आप। आराम से आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, कितना टाइम मिलेगा आराम से आपको, ओके। इस तरीके से प्रेस करते जाइए आप, और वो सही तरीके से चिपकता जाएगा। ये आप देख सकते हैं घर पे, आप खुद भी इसको एक मिनट में आप रिपेयर कर सकते हैं, पूरा रिपेयर हो चुका है, कहीं से भी कोई एज नहीं निकल रही है इसकी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।